हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सी सॉर्ट के पैनल में वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से हम उसको रिपेयर करते हैं। कई बार कई टेक्नीशियन ट्रैक को कट करते हैं और कट करने के बाद पिक्चर बनती है लेकिन वर्टिकल बार आता है, तो उसको रिपेयर करने में काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम ट्रैक को कट करते हैं तो कोई ना कोई सिग्नल मिसिंग होता है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो अभी मेरे पास ये जो सेट है वो MI कंपनी का है, तो मैं सबसे पहले इसके अंदर आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की कंडीशन है। यहाँ पर आपको वर्टिकल बार इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और इस तरीके की अगर दिक्कत आती है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हमारे को इसके अंदर की सभी वोल्टेज चेक करनी होती है कि जो पैनल होता है पैनल के अंदर सभी वोल्टेज हमारी ओके होनी चाहिए, तभी हमारे आगे के सिग्नल काम करते हैं। अगर हमारी कोई भी वोल्टेज मिसिंग होती है या कोई भी वोल्टेज वेरिएशन करती है तो आपका पैनल में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो अभी क्या है, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे स्टेप बाई स्टेप। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसके अंदर जो कटिंग करी है वो कहाँ पे कटिंग करी है। तो हमने इसको मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे लगाया, और DC वोल्ट की रेंज पे लगाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो 12 वोल्ट की सप्लाई है जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। अभी ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी 12 वोल्ट से 3.3 वोल्ट बन गया है, जो कि DC to DC IC के द्वारा बनी है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सी सॉर्ट कंपनी की DC to DC IC लगी हुई है। तो जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे को 3.3 वोल्ट मिलने के बाद क्या है, ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो जाती है हमारे यहाँ पर आप ये देखेंगे ROM IC के लिए जाती है। ROM IC को 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। अगर आप TCON IC के अंदर वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो TCON IC के आसपास में अगर आप देखेंगे तो PF लगे होते हैं, तो PF पे आप ये सारी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है, कई टेक्नीशियन इसके पिनों पे वोल्टेज चेक करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारी ये पिनें शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये DC to DC IC या फिर TCON IC जो होती है हमारी ख़राब हो जाती है। TCON IC के ख़राब होने से इसके अंदर ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो बर्निंग मोड में ये पैनल चला जाता है, तो इसको क्या है TCON IC को चेंज करना पड़ता है। तो अभी क्या है, फिलहाल इसके अंदर जो वोल्टेज है वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है, और इसके अलावा जो वोल्टेज बनती है जैसे VGS VGL AVDD ये भी सब चेक कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे जो है इसका 15 वोल्ट की जो सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर 15 वोल्ट बन रहा है, और 15 वोल्ट के बाद अगर हम देखेंगे इसका VGH और VGL क्या बन रहा है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा है ये VCOM वोल्टेज है, VCOM वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है। जो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर हमारा VGL वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो VGL वोल्टेज बिल्कुल ओके बन रहा है, और अगर हम चेक करते हैं VGS तो VGS जो हमारी हाई वोल्टेज होती है तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 28 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, कई सारे पैनल ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो लेवल शिफ्टर IC होती है वो DC to DC IC के अंदर ही कंबाइंड होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी लेवल शिफ्टर IC और DC to DC IC एक ही के अंदर ही कंबाइंड है। तो अभी क्या है, ये हमारे गेट सिग्नल निकालती है, जो कि गेट सिग्नल हमारे दोनों साइड जाते हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से ये सिग्नल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो सिग्नल जो शॉर्ट थे वो हमने क्या है ब्लॉक कर दिए। ब्लॉक करने के बाद जो है इसकी वोल्टेज तो सारी बन गई है, लेकिन पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी किस तरीके की दिखाई दे रही है। तो अभी क्या है, इसके अंदर अगर हमारे को चेक करना होता है कि इसके अंदर जो TCON IC है, TCON IC के अंदर जो हमारे सिग्नल जाते हैं वो सिग्नल कई बार मिसिंग होने की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। तो TCON IC को चेक करने के लिए हम TCON IC का इम्पीडेंस चेक करेंगे। तो अभी मैं सेट को ऑफ़ कर लेता हूं, और ऑफ़ करने के बाद मल्टीमीटर को हम डायोड मोड की रेंज पर लगाते हैं। तो मल्टीमीटर को डायोड मोड की रेंज पर लगाने के बाद जो हमारी रेड प्रोब होती है उसको हम नेगेटिव में रखेंगे, और ब्लैक से हम सभी का इम्पीडेंस चेक करेंगे। इम्पीडेंस चेक करने के लिए मैं यहाँ से LVDS जो हमारी केबल होती है उसको मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे इम्पीडेंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इम्पीडेंस क्या मिल रहा है, 731 के अराउंड मिल रहा है। यहाँ पर देखते हैं, ये भी 732 के अराउंड हमारे को इम्पीडेंस मिल रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखते हैं तो 733, यहाँ पे देखते हैं 733, यहाँ पे भी 733 है, यहाँ पे भी 733 है, और यहाँ पे देखते हैं 734 है। तो दोस्तों, ये क्या है, आसपास में अराउंड में ही आपको दिखाएगा ये,
पाँच दस ऊपर नीचे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ही देख सकते हैं 735 है, ये भी हमारा 735 है और ये भी हमारा 735 है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारा जो सिग्नल है, यानी कि जो टीकोन आईसी है, टीकोन आईसी के अंदर जो सिग्नल इनपुट के जा रहे हैं और टीकोन आईसी के अंदर का जो सर्किट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अभी ये सारे सिग्नल ओके होने के बाद इसके अंदर और भी सिग्नल हमारे को चेक करने होते हैं। तो ये सी शॉर्ट का जो पैनल है इसके अंदर दो सिग्नल और निकलते हैं इसके अंदर से, जैसे क्लॉक ऑन और क्लॉक ऑफ, ये दो सिग्नल होते हैं। तो इन दोनों को भी हमारे को चेक करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी केबल को वापस से लगा लेता हूँ, और केबल को वापस लगाने के बाद हम इसके क्लॉक सिग्नल को चेक करेंगे। तो दोस्तों क्लॉक सिग्नल को अभी हम वैसे नॉर्मली चेक कर रहे हैं मल्टीमीटर से, लेकिन सिग्नल हमेशा प्रॉपर तरीके से जो है DSO से ही चेक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, मैं अभी एक एज ए वोल्टेज से मैं इसका मेजरमेंट करूँगा, और उसके बाद अगर वोल्टेज से हमारे को कन्फर्मेशन नहीं होती है, कई बार क्या होता है कि हमारे को पूरी तरीके से कन्फर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो हमारे को DSO का यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए अभी देखते हैं हम इसको किस तरीके से चेक करते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। सेट को ऑन करते हैं। सेट को ऑन करने के बाद अभी मैं सेट को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि MI के सेट को क्या है पावर बटन से हमारे को हमेशा ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं लाइट इसकी जल गई है, और जब ये लाइट ब्लिंक करती है तभी हमारा सेट प्रॉपर तरीके से ऑन होता है। तो अभी हमारा सेट जो है ऑन हो गया। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं लाइट हमारी ब्लिंक कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अभी ये मेरे पास क्लॉक का जो ऑफ सिग्नल है, इसको मैं वापस से सेम कंडीशन में लगाता हूँ और चेक करते हैं इसको। ये क्लॉक का जो 2.3 वोल्ट हमारे को मिल रहा है, और आउटपुट में देखते हैं 2.30 हमारे को ओके मिल रहा है। और ये क्लॉक ऑन का है तो क्लॉक ऑन पे भी हमारे को सेम मिल रहा है। तो अगर हम आउटपुट में चेक करते हैं तो आउटपुट में मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप ही देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे को 80 mV के अराउंड यहाँ पे मेरे को वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अंदर हो सकता है कोई ना कोई दिक्कत होती है, तब भी हमारा ये सिग्नल आउट नहीं होता है। तो पहले हम इस रेजिस्टेंस को बदल के देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, और रेजिस्टेंस बदलने के बाद भी सेम कंडीशन रहती है तो टीकोन आईसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अभी मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट करने के लिए काफ़ी सारे टेक्नीशियन का क्वेश्चन ये रहता है कि जब भी आप रेजिस्टेंस बदलते हो रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बताते। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको नापनी होती है तो आसपास के रेजिस्टेंस से हमारे को मेजरमेंट करना होता है, या फिर हमारे को पूरा सिमेटिक के द्वारा हमारे को कन्फर्मेशन लेनी होती है। सिमेटिक अगर आपको रीड करना सीखना है तो आप हमारी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से हमारे को मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो दो सिग्नल है, यानी कि ऑन और ऑफ दोनों पे सेम रेजिस्टेंस लगी होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 22 ओम की रेजिस्टेंस हमारे को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ओपन मिल रही है। तो यानी कि 22 ओम की रेजिस्टेंस का मतलब ये है, यानी कि यहाँ पे हम कोई भी लो वैल्यू की रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं, 0 ओम से लेकर 50 ओम तक का, या फिर 100 ओम तक भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं अभी एक स्केलर में से रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को शिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो रेजिस्टेंस लगाई है अभी यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। तो ये 0 ओम की रेजिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट हमारी लग गई है। उसके बाद अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं, सबसे पहले इसकी जो वोल्टेज है वो बनती है या नहीं बनती है, क्या कंडीशन रहती है। तो सेट को सबसे पहले ऑन करेंगे। मल्टीमीटर को मैं वोल्टेज रेंज पे वापस लगा लेता हूँ। अभी हम सेट को ऑन करते हैं। तो सेट मेरा ऑन हो गया है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस पे अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज देखता हूँ, ये हमारा क्लॉक ऑफ का सिग्नल है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। और आउटपुट में देखेंगे क्लॉक ऑफ परफेक्ट है, और रेजिस्टेंस क्लॉक ऑन का सिग्नल है, इसमें भी परफेक्ट है। आउटपुट में हमारा पहले नहीं बन रहा था, लेकिन अभी हमारा परफेक्ट तरीके से बन रहा है। तो अभी हम देखते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है, पिक्चर भी हमारे को कन्फर्म करनी पड़ेगी। तो पिक्चर भी देख लेते हैं अभी हमारी क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर जो है इसको परफेक्ट तरीके से हमारी बन चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।